खरीद लूंगी। क्या ले रही है कुछ खाने पीने का? ले ली बिस्मिल्लाह। अरे पॉटी है ना, आप वीडियो ऑन द फुल धूल दिखाओ, मैं सब दिखाऊं। ये भजिया ने आज भजिया ने शॉपिंग करनी चाहिए, अपने चिप्स वगैरह लिए। ये अपने महीने ये अपना महीने का सामान ले आती है जैसे कभी 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 उससे मंगवाती है। माशाल्लाह से मैंने अपने क्या क्या लिया है वही सारा। इनको निकाल कर दिखा दी चिप्स हैं इसमें, और इन्होंने लिए हैं एक बॉक्स। तो बस हम बनाएंगे चाय, उसके साथ भजिया हमें खिलाएंगी चिप्स। चलो फ्रेंड मैं चाय रहा बनाती हूँ। रखिए आप जी, रखिए। माशाल्लाह देख सकते हैं भजिया को, भजिया को इस तरह की चीज़ें बेहद पसंद हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर एक इजाफा करे आप सबके माल में बरकत में। मम्मा हम लोग ये रात में निकालेंगे खाने की। चले सही, उसको आप फ्रीजर में रख दें, और अभी चिप्स ले लूँ। हाँ चिप्स ले लूं। और एक ही ले लेते हैं चाय के साथ। ठीक चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। तो फ्रेंड्स मैं अब बना रही हूँ चाय, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको हलीम की पूरी रेसिपी दूँगी इंशाल्लाह। कि मैंने दो बड़े साइज के प्याज ले लिए, अभी मैं इनको इस तरह बारीक काट के ना इनको फ्राई करूँगी। और देखिए मैंने हलीम का तमाम मसाला निकाल के आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है अरहर की दाल, माश, मसूर और चना। ये चारों दालों को तकरीबन मैंने ये तीन तीन चम्मच यानी कि छोटे जो चम्मच होते हैं उनसे ले लिए, और आधा किलो गंदम सबको चुना हुआ था। अब मैं इसको भिगा दूँगी, इनको भिगा दूँगी। अच्छा इनको एक तरफ रख देते हैं। और जनाब मेरे पास मसाले हैं, आप देख सकते हैं। पहले मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको बता दूँगी। गोश्त है मेरे पास एक किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, और बड़ी बूटियाँ मैंने ली हैं, देखिए इस तरह की बड़ी बूटियाँ हैं। ठीक है पानी हटा दूँगी, फ्रिज में रख दिया था धो के, उसका पानी हटा के इसको हम कुकर में बनाएंगे। ठीक है तो प्याज को फ्राई करके फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताती, मेरे साथ रहिए। एक तरफ मैंने प्याज रख दिए फ्राई होने, और दूसरी तरफ देर मेरे को जल्दी हो जाएगा, दूसरी तरफ मैंने कुकर में गोश्त डाला है, देखिए ऑयल डाल के थोड़ा, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम, और इसके साथ देखिए ये खड़े मसाले ये हम डालेंगे, और इसको दो से तीन मिनट अच्छे से मैं भूनूंगी। देखिए इसको दो से तीन मिनट तो हो गए भूनते हुए, आप देख रहे हैं गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, तो मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। मसाले कुछ इस तरीके से हैं, देखिए
ये है हलीम मसाला, पिसा हुआ धनिया, जीरे को मैंने दरदरा कर लिया, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च, नमक, और ये हमारे पास काली मिर्च पाउडर है। ये सब हम गोश्त में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मसाले हमने डाल दिए, ठीक है। इसके साथ ही हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है हमारा जले नहीं, और इसको 3 से 4 मिनट और मैं इसको अच्छे से भूनूं। अभी इसको मैं जरा सा, मैंने असल में एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसको मैं, देखिए मसाला बहुत अच्छे से मैंने भून लिया, आप देख रहे कितना ज़बरदस्त कौरमा बना है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने 2.5 गिलास पानी डाला है और गोश्त मेरा जो है वो तकरीबन 1.5 किलो है बबर, ठीक है। और बड़ी बोटियाँ लेंगी हलीम के लिए, इससे जो हलीम हमारा बहुत अच्छा रिश्तेदार बनेगा। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए सीटी लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स हम 20 मिनट के बाद मिलते हैं। लाइट जा चुकी है फ्रेंड्स, तो ज़रा सा वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये प्याज फ्राई कर लिया था, अच्छा गोश्त मेरा गल चुका था तो मैंने इसको इसमें निकाल लिया भगोने में, आशा में बहुत अच्छा हो गया। अभी इसको थोड़ा सा दाल घोटे से करूँगी, और यहाँ पे मैंने इसी कुकर में तो निकाल के गोश्त और गेहूँ उसमें डाल दिया। ये भी तकरीबन बस होने वाला है, अभी मैं सीटी बंद करने वाली हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गेहूँ माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा मैं आयल ऊपर से निकाल लूंगी, और इसको भी हम दाल भूखी से थोड़ा सा करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ नमक और हल्दी और 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको मैंने कुकर बंद करके रखी, तकरीबन ये 10 मिनट में बेहतरीन तरीके से गल चुकी है। इसको हम एक साइड पर करते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे, हमने प्याज अभी तक नहीं मिलाया, तो हम इसमें प्याज मिलाएंगे। और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची मैं कम डाल रही हूँ, जिसको डालनी होगी ऊपर से डालिएगा। अब ये सारा गेहूँ मैं इसके अंदर डालूंगी। सारा हमने इसमें डाल दिया और इसको थोड़ा सा मैं और चलाऊंगी, और उसके बाद इसको भी चूल्हे पे रखकर थोड़ी देर पकाऊंगी। आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा है हलीम का, और जो हमने चीज़ें ली लजिया ने बाहर से इनको वगैरह सब बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको हलीम बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी तरीके से बनाइएगा। अभी इसको मैं तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास गर्म पानी डालूंगी, उसको भूनूंगी। ये देखिए पेश आने शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। देखिए
ये रेडी हो गई है, इसको हम निकालते हैं। देखिए कितना जबरदस्त रेशेदार क्रीम बना है। इसी तरह अगर आप लोग नाप से बनाएंगे आज बच्चों साथ में कोल्ड ड्रिंक हो तो और भी ज्यादा लुक वाला हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप लोग भी शुरू हो जाइए। चलिए और जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग्स आपको कैसा लगा है। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल पे हैं, और दोस्तों को मेरे चैनल पे लाइएगा। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। बाय, अल्लाह हाफिज़।